Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I am Shreyashi. So in today's video, I am going to unbox my new, very new, brand new iPhone 13 Pro Max. That is this boy right here. So I actually received it on 15th of October, but as we had gone to Udaipur, so aaj hum log wapas aaye hain, that is 18th of October, and today I am finally getting a chance to make this unboxing video. And since maine unboxing video nahi banaya hai, to maine isko open bhi nahi kiya hai. Can you imagine that? I have kept it like sealed till now. So I'm gonna open it right in front of you, and yeah, let's see how it is. I'm so excited to use this iPhone. So before I unbox, let me tell you that this is my second iPhone. इससे पहले मैंने iPhone 6 use किया है, and उसके बाद direct I have jumped to iPhone 13 Pro Max. So बीच में I was using my OnePlus 7, which is this boy, and I had a pretty good experience with OnePlus phone as well. But recently मेरा phone शायद गिर गया था दो चार बार, so उसका जो camera है वो थोड़ा ख़राब हो गया, and I am someone who takes a lot of pictures. So I really needed a new phone, and that's why we thought that why not buy this. जब से pre-order start हुए हैं, we have been trying to get it ordered. So Bombay के सारे stores में हमने call करके पूछ लिया कि भैया आपके पास iPhone 13 Pro Max है, and nowhere we could find it. Like the best malls like Palladium also उसमें भी नहीं था. So हमने हर जगह अपना number दे रखा है कि जैसे ही phone आए please call us. But finally on Flipkart we saw कि एक आया था stock में, and वो भी बार बार आ रहा था, and it was going away. So people were like literally buying it जैसे ही वो आ रहा था online. So two आते थे stock में, उड़ जाता था. As soon as we used to get notified, we used to like try to buy it, and finally मतलब it felt like a lucky draw. Even after spending so much मनी, इतना ज़्यादा टाइम लगा एंड इतनी ज़्यादा मेहनत लगी टू बाय द फोन. सो दैट वॉज अ लिटल बिट ट्रिविया बिहाइंड माई आईफोन. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो एंड लेट्स अनबॉक्स दिस बेबी. सो ये जो सील है मुझे एक्चुअली खोलना पड़ा था इन फ्रंट ऑफ द फ्लिपकार्ट गाय, बिकॉज एज यू नो न्यूज़ में आता रहता है कि समटाइम्स पत्थर वत्थर कुछ निकल जाता है. सो वी हैड टू एक्चुअली सी कि अंदर फ़ोन ही है या नहीं. सो फॉर दैट पर्पज लाइक वी हैड और आई हैड ओपन दिस पार्ट. सो या वन प्रो टिप इज़ दैट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो जब भी वो डिलीवरी बॉय आता है तो उसके सामने ही टेल हिम कि मुझे अभी ओपन करना है, एंड यू ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ यू ओपनिंग. आप जब खोल रहे होते हो उसका वीडियो बनाओ. सो इन केस कुछ निकलता है ऐसा पत्थर वगैरह, तो एटलीस्ट यू विल हैव अ प्रूफ कि वैसे ही आया था. सो हमने वही किया, हमने उसको रोक के रखा एंड हमने वीडियो बनाया, एंड देन आई ओपन दिस एंड वी सॉ कि हाँ फ़ोन ही है. बट फ़ोन चलता है कि नहीं वो हमें अभी तक नहीं पता है. दैट वील गेट टू नो नाउ इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन वी अनबॉक्स इट. ओके, सो एज सून एज यू ओपन इट यू सी इट लाइक दिस, एंड आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड, सो आई विल प्रॉब्ली चेंज द एंगल. सो आई ओपन द बॉक्स, एंड बॉक्स के अंदर ये रहा आपका आईफोन, देन आई ओपन द स्टिकर एंड लुक एट दैट. उसके अलावा मिलता है एक पैकेट जिसमें कि होता है एप्पल का स्टिकर एंड ये सिम का निकालने वाला पिन, एंड यू ऑल्सो हैव द यूजर मैनुअल, एंड देन यू हैव दिस कॉर्ड फॉर चार्जिंग. सो दैट्स ऑल दैट यू गेट इनसाइड द बॉक्स ऑफ एन आईफोन. अडाप्टर यू हैव टू बाई सेपरेटली, एंड या दैट्स योर आईफोन इन योर हैंड. लेट्स टर्न इट ऑन. हेलो. सो ऑन करते ही सारे लैंग्वेजेस में आपको हेलो बोलेंगे, एंड चल रहा है अभी प्रोसेस, बट द फीलिंग जो ऑन हुआ दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स. तो तब तक मैं इसके ग्रिप और होल्ड के बारे में थोड़ा बात कर लूँ. सो मुझे लग रहा था कि 13 प्रो मैक्स थोड़ा ज़्यादा बल्की होगा, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो होल्ड विथ वन हैंड, बट एज यू कैन सी आई एम क्वाइट कम्फर्टेबली होल्डिंग इट इन माई वन हैंड, एंड काफ़ी ग्रिप अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एंड मेरे फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा कोई लंबे नहीं है. सो इट्स प्रीटी कम्फर्टेबल. बस ये है कि थोड़ा सा हैवी है, इट कुड हैव बीन अ लिटल मोर लाइट, सो ज़्यादा थोड़ा कम्फर्टेबल होता. एंड एज यू कैन सी द कैमरा, तो आपको पता ही है, मीम्स देखे होंगे आपने, कैमरा साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है. And I bought it in graphite color because Sierra Blue iPhone 13 वाली सीरीज में आया है, but I was not very sure about it because अभी वो अच्छा लग रहा है. Actually I went to the store and I checked it out, अभी तो actually अच्छा लग रहा है, but I felt like it's kind of a fad, and what if मेरे को कल पसंद नहीं आया, and moreover उसके साथ सारे कवर के कलर्स नहीं जाएंगे, we have to specifically choose कवर्स का कलर अकॉर्डिंग टू द
कलर ऑफ द फोन, बिकॉज ये पार्ट तो विजिबल रहेगा इन एनी केस. सो वो सोचते हुए मैंने सोचा कि आदर आई टेक सिल्वर और ग्रेफाइट, एंड देन वी जीरोड अपॉन ग्रेफाइट बिकॉज लुक एट दिस, लुक सो सेक्सी. सो वी बॉट इट इन ग्रेफाइट. दे सेड नमस्ते, क्यूट. सो स्वाइप अप करना है एंड ये स्क्रीन आ जाती है वेर यू कैन चूज द लैंग्वेज दैट यू वॉन्ट. सो आई विल गो अहेड एंड चूज इंग्लिश. Then select your country, your region, India chosen है, the language set हो रहा है, then quick start का option है, wifi password डालना है, so I'll just go ahead and do all these things and I'll see you in a bit. So अभी wifi का password डालने के बाद it's saying कि it may take a few minutes to activate your iPhone. So मेरे पास अभी tempered glass and back cover कुछ नहीं है, so बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. So mostly आज जाके I'll go and buy it. बी स्टोर्ड फ्रॉम आई क्लाउड बैकअप. सो प्रीवियसली आई हैड आईफोन 6 जो मैंने बताया, तो पता नहीं उसके बैकअप में कुछ है या नहीं, बट आई कैन ट्राई टू री स्टोर इट. मे बी कुछ ट्रैश ही मिल जाए. मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड भी ऑप्शन है, सो लेट्स डू दैट. Move from Android. If you have an Android phone or tablet, you can transfer your photos, messages, and more to this iPhone. Download the Move to iOS app on your Android device to get started. So मैं ये app install कर लेती हूँ अपने Android में, and then I will do the transfer. I was trying to transfer my data from my Android to my iOS, but issue ये हुआ कि मेरा 1% battery था. So it's telling me कि battery low है, थोड़ा charge कर लो then transfer कर लो. So basically I'll have to pause this video for some time, and जब मेरा charge हो जाएगा I think 50% at least, then I will try to transfer the data again. So I'll take a break and I will see you after that. इट्स डे टू एंड मैं अपने घर के बालकनी में खड़ी हूँ बिकॉज आई एम गोना टेस्ट आउट द कैमरा ऑफ दिस फोन. सो इसका बहुत फेमस सिनेमैटिक मोड जो अभी आया है इस फोन के साथ, आई एम गोना टू टेस्ट इट आउट. आई एम गोना टेक अ वीडियो क्लिप एंड आई एम गोना शो यू हाउ इट लुक्स एंड ऑल्सो फोटोज कैसे आ रहे हैं. लेट्स चेक द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स, ऑल्सो द मैक्रो मोड एंड पिक्चर्स. So let's test all those features जिसके बारे में इतना ज़्यादा सुना है, whether they are up to the expectations or not. So let's get started. So first I will take a cinematic video. So यहाँ पर tap करके आप select कर सकते हैं कि आपको focus कहाँ पर चाहिए. So as soon as I click it, वो AF tracking lock करके आ रहा है, which shows कि वो lock हो गया है. And it's focusing only on that part, and baki jo part hai that has gone blur. So that is as expected. And focus ek plant pe. So maine bahut hi random ek video banaya hai and I will attach the clip so you can check it out. So cinematic mode is quite up to the expectations. ऑल्सो उसमें ये भी फीचर है कि आप वीडियो बनाने के बाद भी उसको एडिट कर सकते हैं एंड उसका फोकस जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं. मान लो आपने वीडियो बनाने के टाइम पे कोई और चीज़ पे फोकस किया था, बट वीडियो बनाने के बाद आपको चाहिए कि वो किसी और चीज़ पे फोकस करे. सो दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट यू कैन डू विद दिस फोन. सो नाउ लेट्स ट्राई आउट द मैक्रो, जो फोटोज़ में है मैक्रो फीचर है वो ट्राई करते हैं. सो मैक्रो फीचर के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने क्लोज जाना है एंड इट ऑटोमेटिकली मेक्स इट अ मैक्रो मोड का फोटो. सो लेट्स ट्राई दैट एज वेल, दो आई डोंट यूज इट मच, बट स्टिल सिंस ये एक ऐसा फीचर है विच आईफोन बोस्ट्स अबाउट, सो व्हाई नॉट ट्राई दैट आउट. सो इट्स समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी द डिटेलिंग ऑफ दिस पिक्चर हियर. पिक्चर काफ़ी क्लियर आ रही है एंड जूम करने पे भी एक एक यू नो द डिटेल इज क्लियरली विजिबल. आई ऑल्सो अटैच अ पिक्चर ह्योर सो यू कैन चेक इट आउट. आई ऑल्सो टेक इन अ फ्यू मोर पिक्चर्स, आई अटैच ऑल दोज ह्योर. सो नाउ आई विल ऑल्सो ट्राई द नॉर्मल वीडियो मोड सो दैट हमेशा सिनेमैटिक में तो शूट नहीं करेंगे ना, समटाइम्स वी विल टेक नॉर्मल वीडियोज एज वेल. So now I will test the front camera video of my Canon G7X Mark II versus my iPhone 13 Pro Max. So currently I'm speaking in my camera which is Canon G7X Mark II and now I'm going to speak on my phone. So
now I'm speaking on my phone and you can see the difference in quality of the picture and also the sound, difference in sound quality versus my camera. So I think it's pretty decent, काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें भी. And now I will switch to cinematic mode and show you कि उसमें कैसी picture quality आ रही है. Okay, so now I am in cinematic mode. Currently focus जो है मेरे ऊपर है. Now I'm going to try and shift my focus. So now I'm defocused. अब जो focus है वो उस building पे है and I'm out of focus which I don't like at all. So I'm going to focus back on myself and I was actually being unfair to my phone and I was shooting in a place where जहाँ पे light उतनी अच्छी नहीं आती. इधर light better है. So now you'll get an exact idea because मैंने अपने camera के direct सामने रखा है. So exact picture quality का जो difference है वो भी पता चल रहा होगा. And now I'll focus on this plant. Okay. It is focusing on the plant. I focus back on myself. It's focusing back on myself. Which is good. I like that. Best part is कि आप इसको edit करते time भी change कर सकते हैं. So you can change the focus even after you have like created the video. Which is pretty cool, I guess. So full light आती है तो video कुछ ऐसा आ रहा है. And I'm scared कि मैं अपना phone drop ना कर दूँ. इसीलिए I will quickly stop this. So that's it about testing the phone and the camera. Now let's go back and give my final verdict on what I think about the phone. So let's go. Hi guys, so coming to the final verdict of iPhone 13 Pro Max. मैंने actually कल evening या night से इसको use करना start किया है, सारा data transfer किया. And अभी तक का जो verdict है वो यही है कि yeah, it's a pretty good phone. And इसका cinematic video जो है वो काफ़ी अच्छा है. Even photos की quality काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. And अभी I'm yet to explore and you know ज़्यादा फोटोज़ ले से और ज़्यादा एक्सपर्टीज आएगा. एंड देर आर डिफरेंट मोड्स दैट यू कैन सिलेक्ट. ऑल दोज थिंग्स आई विल बी चेकिंग इट आउट. सो द प्रोज आर ऑब्वियसली द ग्रेट बिल्ड क्वालिटी, ग्रेट बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे. मैंने कल से कंटिन्यूसली यूज़ किया है एंड अभी तक इट्स ऑलमोस्ट 80% चार्ज. सो उस मामले में काफ़ी अच्छा है. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड, दैट आई एम स्टिल फेसिंग इज़ जब भी आप एंड्रॉयड से एप्पल पे मूव होते हो या एप्पल से एंड्रॉयड में मूव होते हो तो आपका जो व्हाट्सएप का चैट हिस्ट्री है वो बैकअप ट्रांसफ़र नहीं होता है. विच लिटरली सक्स बिकॉज आई वॉन्ट ऑल माई चैट हिस्ट्री. मैंने 2 साल वो फ़ोन यूज़ किया अपना एंड्रॉयड वाला एंड उसमें इतनी सारी चीज़ें विच आई वॉन्ट ऑन दिस फ़ोन बट वो आ नहीं रहा है. जो नॉर्मल मैसेजेस होते हैं इनबॉक्स वाले वो आ गए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है. बट बेसिकली मेनली जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो नहीं ट्रांसफ़र हो पा रही. सो आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट दैट. बट अदर देन दैट इट्स ऑल फन एंड गुड. इसमें जो इतने अच्छे फीचर्स हैं फोटोज़ एंड वीडियोज़ के आई विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज इट इन माई फ्यूचर व्लॉग्स. एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप यू लाइक दिस अनबॉक्सिंग वीडियो एंड लिटिल बिट ऑफ रिव्यू दैट आई गेव. दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन बट एज आई गो अहेड अगर कुछ मुझे और फीचर्स पता चलेंगे तो मैं अपने व्लॉग्स में रेगुलर चीज़ों के साथ आई विल लेट यू गाइज नो. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू ड्रॉप देम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट. एंड ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट प्लीज मेक श्योर यू डू. एंड वाइल सब्सक्राइबिंग ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will know when I put up my next video. Don't forget to like and share this video as well. And I will see you again in my next one. Till then, bye.